आज मैं एक माँ की बात करने वाला हूँ, एक ऐसी एड़ी माँ, बावली माँ, जिसके सन ने, यानी एड़ी सन ने हम सबको प्रकाश दिया, रोशनी दी। आप तो जानते हैं कि सत्य को प्रकाश कहा जाता है और असत्य को अंधेरा कहा जाता है, लेकिन इस कहानी में असत्य जो है वो प्रकाश है और सत्य जो है वो अंधेरा है। बालक थॉमस एडिसन स्कूल से आज बहुत जल्दी वापस आ गया। माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, जल्दी आप वापस आ गया? बोले, हाँ टीचर ने मुझे कहा कि जाओ घर जाओ और ये चिट्ठी अपनी माँ को देना, तुम्हारी माँ इस चिट्ठी को पढ़ते ही समझ जाएगी हम क्या कहना चाहते। बावली माँ ने, एड़ी माँ ने उस चिट्ठी को पढ़ा। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आपका बेटा पागल है, विकृत है, इसकी औकात नहीं कि पढ़ाई कर सके और हमारे स्कूल में बैठने की तो उसकी लायक ही नहीं, इसे आप अपने घर पे ही रखो, पढ़ाओ लड़ाओ या कुछ भी करो, बट ही इज गुड फॉर नथिंग। माँ ने चिट्ठी में पढ़ा। थॉमस ने पूछा कि मम्मी इसमें क्या लिखा है? तो एड़ी माँ ने कहा, बेटा इसमें तो लिखा है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत समझदार हो, बहुत उच्च कोटि के विद्यार्थी हो, इतने उच्च कोटि के विद्यार्थी हो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो, तुम्हें उस स्कूल में पढ़ाई नहीं जा सकता। क्यों माँ? अरे उनकी लायक ही नहीं है, तुम उस स्कूल से भी बहुत ऊंचे और बहुत ऊपर के विद्यार्थी हो, बहुत बड़े स्टूडेंट हो। हाँ, तो बच्चा खुश हो गया, बोले बेटा अब तो घर पे पढ़ाई किया करो, जो तेरा मन करे, जैसा तुझे ऑब्जर्वेशन लगे, जो तुझे समझ में आए वो पढ़, उसे समझ कि तेरी बुद्धि बहुत विशाल है। माँ की इस बात पे गौर करके बालक ने पढ़ाई की, पढ़ता रहा, ऑब्जर्वेशन करता रहा, धीरे 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 उसने बल्ब, रोशनी, लाइट को दुनिया को इंट्रोड्यूस कराया। स्कूल वाले उसको लाइट ले रहे थे, लेकिन इस लाइट बनाकर उसने अपनी खुद की स्कूल खोल दी। कुछ समय बाद माता जी का देहांत हो गया। एक दिन माँ की यादों को ताज़ा करते हुए वो अलमारी चेक कर रहा था, तो उसे वही चिट्ठी मिली जो टीचर ने दी थी। उस बच्चे ने, मैंने बच्चा तो नहीं था, जवान हो चुका था, युवा हो चुका था, उसने वो चिट्ठी खोली और पढ़ा। उस पर लिखा हुआ था वही कि आपका बच्चा विकृत है, इस लायक नहीं कि हमारे स्कूल में आ सके, और आज वो दुनिया का नंबर वन प्रकाश से मिलाने वाला, रोशनी से मिलाने वाला देवदूत बन चुका था। यानी कि माँ के एक झूठ ने, यानी माँ के एक सत्य ने, असत्य ने सत्य की रोशनी हमें दी। इससे कहा जाता है कि कभी कभी किसी बदलाव के लिए, किसी की जान बचाने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो झूठ पवित्र होता है। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि एडिसन की तरह इस कॉमेडी के सन को भी, इस कॉमेडी सन को भी आप ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहिए। काम भरे, पसंद आए ना आए, क्या पता एक ना एक दिन मैं भी कोई इतिहास रच दूँ, इतिहास हास्य की एक नई दुनिया रच दूँ, है ना? तो थैंक यू।